गृहमंत्री अमित शाह का बिहार दौरा संपन्न, किशनगंज में सुंदर सुभूमि कार्यक्रम में अमित शाह ने हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित हुआ था कार्यक्रम। सुंदर सुभूमि कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि जनता के विकास से ही देश का विकास होगा। सुंदर भूमि कार्यक्रम से पहले अमित शाह ने किशनगंज में बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की, विधि विधान से पाठ भी किया। अमित शाह ने बूढ़ी काली देवी की उतारी आरती, मंदिर के पुरोहितों ने पूजा करवाई। गृहमंत्री अमित शाह ने किशनगंज में बूढ़ी माता मंदिर में पूजा करने के बाद फतेहपुर एसएसबी बीपीओ कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसबी के चौकियों का उद्घाटन किया। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के कार्यक्रम में बोले अमित शाह, कहा कठिन चुनौतियों पर खरा उतर रहा है एसएसबी, सीमा सुरक्षा में तकनीक की भूमिका है। अमित शाह ने कहा सीमाओं की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, बोले जवानों की बदौलत हम निश्चिंत रहते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के दौरे पर निशाना साधा, कहा 2024 के आम चुनाव में हम पीएम मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंके। गृहमंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने निशाना साधा, कहा 2024 में भारत बनेगा बीजेपी मुक्त। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने विपक्ष पर तंज कसा, कहा अमित शाह के दौरे से महागठबंधन में खलबली। गृहमंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान, कहा गृहमंत्री के सीमांचल दौरे में महागठबंधन के नेता भयभीत हो गए हैं, 2024 में बीजेपी पूरे बिहार में फिर से जीत का परचम लहराएगी। अमित शाह के सीमांचल दौरे पर जेडीयू कांग्रेस हमलावर, गृहमंत्री को बताया जुमलेबाज। मुजफ्फरपुर दौरे पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, बेला इंडस्ट्रियल एरिया में लेदर पार्क का निरीक्षण किया, निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट का भी अवलोकन किया। पटना से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दिल्ली के लिए रवाना, कल सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। कल सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे, दोनों नेता शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, 2024 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव, तेज बारिश के बीच लैंड हुआ हेलीकॉप्टर, भव्य मंदिर में पूजा अर्चना की। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिप्टी सीएम ने जिले को दी 600 करोड़ की सौगात, कई विकास कार्यों का तोहफा दिया। रांची में कल होगी जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो की अगुवाई में यह बैठक होगी, बैठक में प्रदेश प्रभारी और कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे, अक्टूबर में होने वाले सम्मेलन को लेकर बातचीत होगी। 29 सितंबर को झारखंड कैबिनेट की होगी बैठक, सीएम सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग है, बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर फैसला हो सकता है, दशहरा के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का विचार भी सरकार कर सकती है। रांची में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक खत्म, पार्टी कार्यालय में संगठन की मजबूती पर मंथन हुआ, लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर पार्टी ने रणनीति बनाई। नालंदा में एलजीपीआर का 3 दिवसीय शिविर समाप्त, बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की गई, चिराग पासवान ने मध्यावधि चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश दिए। गोपालगंज में नारायणी नदी की तेज धार में बह गए पंचायती राज विभाग के जेई, मां को बचाने नदी में कूदे थे जेई, एनडीआरएफ की टीम जेई की तलाश में जुटी। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबने से 16 साल के युवक की मौत, शव की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। पटना के घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, सदर प्रखंड के मस्ती फतेहपुर गांव में यह हादसा हुआ है। गोपालगंज में वज्रपात से एक शख्स की मौत, 2 घायल, सिद्धवलिया थाना इलाके में यह हादसा हुआ है, घायलों को इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। हजारीबाग के चोरदाहा चेक पोस्ट पर बड़ा हादसा हुआ, गैस टैंकर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान को कुचला, मौके पर ही जवान की मौत, घटना के बाद पुलिस ने टैंकर को जब्त किया। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में पॉक्सो एक्ट के नामजद अभियुक्त समेत 6 वारंटी गिरफ्तार, सभी को पुलिस ने जेल भेजा। पश्चिम चंपारण में भारत नेपाल बॉर्डर पर गोली चली, 47वीं बटालियन के जवान और तस्कर के बीच झड़प में एक तस्कर घायल, इनरवा थाना क्षेत्र का यह मामला। रामगढ़ में भारत फाइनेंस कंपनी के एक फील्ड स्टाफ से 1.5 लाख रुपए का लूट का खुलासा, फील्ड स्टाफ नियामुद्दीन अंसारी ही निकला लुटेरा, दोस्त के साथ मिलकर रची थी लूट की साजिश, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरायकेला के खरसावा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 45 एटीएम कार्ड और 2 मोबाइल फोन के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, ओडिशा का रहने वाला है अपराधी।
धनबाद के गलफबाड़ी में अवैध खनन स्थल की भराई, रात में चल रहा था अवैध कारोबार। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। छपरा में शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दिगवारा थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में एक्शन ड्रोन कैमरे से अवैध शराब कारोबार का पर्दाफाश। दो दो ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया, दर्जनों अवैध शराब की भर्तियों को भी ध्वस्त किया गया। बांका शहर में चोरों का आतंक, टाउन थाना क्षेत्र के शिवाजी चौक के पास दुकान का शटर तोड़कर चोरी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची बांका विधायक रामनारायण मंडल। ट्रक चालक के साथ मधेपुरा में लूटपाट, अपराधियों ने खलासी को मारी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, पूर्णिया की तरफ जा रहा था ट्रक ड्राइवर। सुपौल में शादी के बाद धोखे का मामला सामने आया है, शादीशुदा व्यक्ति ने प्रेमिका से शादी के बाद मारपीट कर घर से भगाया, परेशान प्रेमिका ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर प्रखंड में मिला अधेड़ का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, आक्रोशित लोगों ने देर रात जमकर बवाल काटा, जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका। लखीसराय में चोरों के हौसले बुलंद, नगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर अज्ञात चोरों ने सूने घर को अपना निशाना बनाया। धर्मचराय का मोहल्ले में देर रात एक घर पर चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खगड़िया में संदिग्ध हालत में एक युवक की हुई मौत, पुलिस मामले की जांच कर रही है। टाउन थाना इलाके के बलुआही का ये मामला है, मृतक की पत्नी से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। लखीसराय में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने शराब के नशे में युवक को पकड़ा, शराब माफिया के नाम पूछे जाने पर युवक की तबीयत बिगड़ी, युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज के बाद युवक को न्यायालय भेजा गया। बेगूसराय में अनियमित बिजली कटौती को लेकर लोगों का हंगामा, बिल और बिजली काटने से नाराज महादलित टोले के दर्जनों लोगों ने सड़क जाम किया, बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नालंदा में विवाहिता की गला दबाकर हत्या, दहेज को लेकर दानव हत्थे चढ़ी महिला, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। भागलपुर जिले में प्रेमी ने प्रेमिका के साथ रेप करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, हत्या के बाद प्रेमी ने भी खुद जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जमशेदपुर में अवैध रूप से पार्किंग में लगाए गए ठेले और दुकानों को अक्षेस ने खाली कराया है, विशेष अभियान चलाकर यह कार्रवाई की गई है, अवैध दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। गया में महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश घोषित किए जाने पर महाराणा विचार मंच ने खुशी जताई, कहा आम आवाम की मांग को सरकार ने स्वीकार किया है। इस मौके पर चित्र पर माल्यार्पण कर महाराज हरि सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। धनबाद में राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता स्वर्गीय राजू यादव की तस्वीर कचरे में रखे जाने का विरोध, तस्वीर के अपमान को लेकर लोगों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, विरोध कर रहे लोगों ने अपने नेता के अपमान पर नाराजगी जताई है। बोकारो में घरों को तोड़ने पहुंचा रेलवे का बुलडोजर, रेलवे के दोहरीकरण में बाधा बने घरों को हटाने का काम चल रहा है, गांव वाले प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में दिव्यांगों को सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पैसे लेने का मामला सामने आया है, सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर ही 500 रुपए लिए गए हैं, फिर भी नहीं बनाया गया है सर्टिफिकेट। बोकारो में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया जन वितरण प्रणाली की दुकान का औचक निरीक्षण, लाभुकों ने पीडीएस डीलर के खिलाफ शिकायतें की हैं, लाभुकों को समय से नहीं दिया जा रहा था अनाज। गुमला में महिला के शव मिलने से इलाके में सनसनी, नहर में मिला महिला का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भेजा है, हत्या की आशंका जताई जा रही है। सहरसा में ट्रक चालक के साथ मधेपुरा में लूटपाट हुई है, अपराधियों ने खलासी को गोली मारी है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पूर्णिया की तरफ जा रहा था ट्रक ड्राइवर। पाकुड़ में अचानक घर में आग लग गई, आग बुझाने के लिए पिता और बेटे की मौत हो गई है, बिजली के तार की चपेट में आने से पिता और पुत्र की मौत हुई। साहिबगंज में मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट का उद्घाटन विधायक लोबिन हेम्ब्रम और एनटीपीसी जेएमएम संजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, बोरियो प्रखंड के सभी गांव में भ्रमण करेगा हेल्थ केयर यूनिट। साहिबगंज के तलझारी में बढ़ती जा रही है राशन कार्ड धारियों की समस्या, एमओ ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है, ग्रामीणों ने लगाया 3 महीने से राशन नहीं देने का आरोप। बोकारो स्टील प्लांट के एचआरडी में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, कई स्टील प्लांट के प्रतिनिधि शामिल हुए, स्टील के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के तरीकों पर मंथन हो रहा है। रोहतास के संझौली थाने में फाइनेंस कर्मी को लूटने के बाद बदमाशों ने निर्मम हत्या की है, दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है जिसे लोगों में दहशत है, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी।
लखीसराय में दो गुटों की मारपीट में एक लड़की की मौत, डंडे की चोट लगने की वजह से जान गई है। तेतरहाट थाना के मोहसोना गांव की घटना है। लखीसराय में वाहनों से अवैध वसूली मामले में एसीपी ने बड़ी कार्रवाई की है। रामगढ़ चौक थाना के एक एसआई समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। वाहनों से अवैध वसूली के आरोप में जांच के बाद यह कार्रवाई हुई। हजारीबाग के महनार में पिस्टल लेकर डांस का वीडियो वायरल हुआ है। बगमोचा गांव में बार बालाओं ने हाथों में पिस्टल लेकर जमकर ठुमके लगाए हैं। घटना के बाद महनार थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज में पूर्व सचिव जावेद अली की हत्या के बाद ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर हमला बोला। हमले में 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग घायल। घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। घटनास्थल पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। समस्तीपुर में घर से भागे प्रेमी युगल के थाने में शादी हुई। शादी में पुलिस वाले बाराती बने। दर्जनों ग्रामीणों और परिजनों ने वरवधु को आशीर्वाद दिया। हलईओपी थाना इलाके का ये पूरा। भारत नेपाल सीमा पर पश्चिम चंपारण में बढ़ने लगा विवाद। किसानों के साथ आंदोलन में कूदी महिलाएं, कहा पानी नहीं मिला तो धान के साथ रबी की फसलें भी प्रभावित होंगी। बोकारो में बरसात होते ही गांव बन जाता है टापू। नदी में पुल नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई और नौकरियों पर असर पड़ता है। लोगों को भी आवाजाही करने में दिक्कत होती है। गुमला के बख्तर साई मुंडन सिंह सभागार में गुरुकुल संस्था का वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एसडीओ ने छात्रों का मनोबल बढ़ाया। लखीसराय में नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत जिला युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन। एक दिवसीय कार्यक्रम महिला महाविद्यालय में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सचिदानंद शर्मा समेत नोडल अधिकारी डॉक्टर भवानी कुमारी भी मौजूद थे। रोहतास जिले में चल रहे वार्ड पार्षद चुनाव के नामांकन के दौरान 2 प्रत्याशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कर्म डिहरी के निवासी कैदी गुड्डू कुमार के द्वारा वार्ड संख्या 2 में सदस्य पद के लिए नामांकन किया गया। वहीं दूसरे कैदी अनिल यादव ने वार्ड संख्या 28 से वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन किया। समस्तीपुर में स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ताजपुर प्रखंड में स्वच्छता मित्रों ने बैठक की है। मीटिंग के बाद पंचायत को स्वच्छ रखने के लिए लोगों से अपील की गई। खगड़िया समाहरणालय के सभागार में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जनता दरबार में कुल 67 मामले सामने आए हैं। अधिकतर मामले राजस्व और भूमि विवाद से संबंधित हैं। जमुई में ग्रामीण बैंकों में आईपीओ लाने और निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया रीजनल बैंक के सदस्य ने कहा कि सरकार ग्रामीण बैंकों में आईपीओ और निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। पटना में पीएम मोदी को निशाना बनाने की रची गई साजिश। 12 जुलाई 2022 को मोदी की पटना में रैली विस्फोट की तैयारी की गई थी। शफीक पेयत के रिमांड नोट में ईडी का सनसनीखेज था। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में पीएफआई सदस्यों के हथियारों की ट्रेनिंग देने की तैयारी की जा रही थी। एनआईए और ईटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ। एनआईए और ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत कार्रवाई की है। 22 सितंबर को 12 राज्यों में चला था ऑपरेशन ऑक्टोपस। 106 लोगों की गिरफ्तारी। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी टीम की गठित की गई है। सीएम धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए एसआईटी टीम का गठन हुआ। ऋषिकेश में मिला अंकिता भंडारी का शव। एसडीआरएफ को चिल्ला नहर से मिला अंकिता का शव। 18 सितंबर से गायब थी अंकिता भंडारी। अंकिता की हत्या के मामले को लेकर भड़का ग्रामीणों का गुस्सा। गाड़ी रुकवाकर आरोपियों की पिटाई की। पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। अंकिता की मौत के बाद प्रशासन ने ऋषिकेश में रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया। सीएम धामी बोले सभी रिजॉर्ट की जांच होगी। पौड़ी में अंकिता भंडारी की हत्या की खबर से परिजनों में कोहराम मचा। घर में छाई आर्थिक तंगी से परिवार को उबारने के लिए अंकिता ने शुरू की थी। इंदौर में आजाद नगर में 7 साल की बच्ची की हत्या के बाद हंगामा, गुस्सा। लोगों ने पथराव किया। निगम की गाड़ियों में तोड़फोड़। पुलिस ने मौके पर लाठीचार्ज किया। कानपुर के ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में बनी सेना के जवानों की 100 वर्दियां चोरी हुई हैं। दिल्ली सैन्य डिपो के लिए रवाना होने के बाद से ये चोरी हुई है। सेना को अलर्ट किया गया है। जांच जारी। यूपी के उन्नाव में दबंगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई की है। दबंगों ने दुकानदार को लात, घूंसों और डंडों से पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में प्रेमी युगल के साथ बदसलूकी मामले का आरोपी मुठभेड़ में घायल। आरोपी मोहम्मद कैफ के पैर में गोली लगी। गुजरात के वडोदरा में ऑटो पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल के कर्मियों ने आग को बुझाया। दिल्ली एनसीआर में लगातार आफत की बारिश। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक बिगड़े हालात। सड़कों पर भारी जलजमाव।
गुरुग्राम के कई इलाकों में तालाब जैसा मंजर, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल, जल जमाव से राहगीर जूझ रहे हैं। दिल्ली से गुरुग्राम के रास्ते में हाईवे पर पानी भरा है, गाड़ियों का निकलना मुश्किल हुआ, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में जारी है बारिश का अलर्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी तेज बारिश की आशंका। बार बार फटकार के बावजूद बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल एक बार फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा। शहबाज शरीफ ने कश्मीर में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को बताया शांति का मसीहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा हम भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र किया, कहा केवल शांतिपूर्ण संवाद से ही हो सकता है मुद्दों का हल। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सख्त के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव अटोनिया गुटरेस ने भी आवाज उठाई है, ईरान की पुलिस और सुरक्षा बलों से हिंसक कार्रवाई नहीं करने की अपील की गई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी के साथ एक बैठक में उठाया ईरान के मानवाधिकारों का मुद्दा, गुटेरेस ने ईरान के लोगों से संयम बरतने को कहा है। काबुल में अकबर खान ग्रैंड मस्जिद के पास विस्फोट हुआ, 4 लोगों की मौत, 14 लोग घायल, दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। पुतिन के करीबी और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेद की धमकी, कहा यूक्रेन पर कभी भी परमाणु बम गिरा सकता है रूस, पश्चिमी देशों को भी चेतावनी जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन का बड़ा बयान, कहा रूस के साथ संबंध रखने वाले देश पुतिन के आक्रमण से खौफजदा, ब्लिंकेन ने पुतिन को निशाने पर लिया। अमेरिकी कमांडर का बड़ा दावा, कहा आने वाला समय बेहद मुश्किल, रूस चीन जैसी परमाणु महाशक्तियों में खतरनाक युद्ध की आशंका। भारत के करीब होगा रूस चीन और ईरान की सेनाओं का जमावड़ा, हिंद महासागर में तीनों देशों की सेनाएं करेंगी ज्वाइंट नेवी ड्रिल, पाकिस्तान और ओमान भी हो सकते हैं शामिल। यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस से मिलाने के प्लान पर काम कर रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, लोसांग और डोनेस्क से अलगाववादी नेताओं और अधिकारियों ने जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया है। यूक्रेन के लुहानस्क और डोनेस्क में 27 सितंबर तक चलेगा जनमत संग्रह, रूस के शामिल करने के लिए खेरसौन और जोपरडिया के कुछ हिस्सों में भी जनसम्मत संग्रह होगा। रूस के प्लान की धनक लगते ही यूक्रेन सरकार ने पलटवार किया, यूक्रेन प्रेसिडेंसी के चीफ ऑफ स्टाफ एंट्री यर्मक ने कहा खतरे को केवल ताकत से ही खत्म किया जा सकता है। ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटी चीन, अब साउथ चाइना सी में ड्रोन सबमरीन तैनात करने की तैयारी में ड्रैगन है। ताइवान स्टेट में चीन एयरफोर्स ने फिर घुसपैठ की है, फाइटर जेट के साथ चीन का ड्रोन भी नजर आया है। अमेरिका ने प्रतिबंधों के खिलाफ रूस की सहायता पर चीन को चेतावनी दी है, जो बाइडेन बोले अगर चीन ने सहायता की तो अंजाम बुरा होगा।